सिंगरौली में विकास यात्रा का समापन हो गया है। समापन समारोह में प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह ने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा किया है। शिवराज सरकार की विकास यात्रा प्रदेश भर में जगह जगह चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सिंगरौली में चल रही विकास यात्रा का समापन हो गया। यह यात्रा 5 फरवरी से शुरू हुई थी। समापन समारोह में प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस विकास यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राही योजनाओं का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। विकास यात्रा के समापन में सीधी रिवर रोड टनल के पास हुए बस हादसे को लेकर मंच से ही प्रभारी मंत्री ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक जताया। आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले हमने एक जनसेवा अभियान के तहत भी हमने कार्यक्रम चालू किया और उसमें पूरे जिले के अंदर 1,67,000 से ज्यादा लोगों को हमने लाभान्वित किया। अब ये विकास यात्रा है मूल का जो हमारे क्षेत्र के विकास के काम है, चाहे लोकार्पण के हों, चाहे जो नए काम है या जो भविष्य में होने वाले और भी हमारे ऐसे काम हैं उनको हम चिन्हित करने का भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि हर घर चिन्हित करके कोई भी पात्रता में आने वाला व्यक्ति, भली वो किसी भी विभाग का हो, उसको लाभ देने के लिए हम लोग निरंतर हमारी विकास यात्राएं चल रही हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।